फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बहन प्रताप के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनधीर सिंह मान चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और जनता से महेंद्र प्रताप के पक्ष में वोट करने की अपील की। मनधीर सिंह मान ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल में इस सरकार ने फरीदाबाद की जनता के साथ धोखा किया और यहां के सांसद विकास के नाम पर अपने ही घरों को भरते रहे। मनधीर सिंह मान ने जवान और किसान का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने हर व्यक्ति के दिल में गहरी चोट की है, इसलिए इस बार जनता का बीजेपी सरकार से मोह भंग हो गया है। जवानों से नौकरी का हक, किसानों से खेती का हक और खिलाड़ियों से उनका हक छीन लिया है, इसलिए इस बार कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह को जीतना जरूरी है। सवाल है देश को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का, क्योंकि आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज हमारे देश की जो हालत भारत जनता पार्टी की है, आप लोग सभी जानते हैं। आज हमारा जवान परेशान है, हमारा किसान परेशान है। कांग्रेस समय में ना होता था जय जवान और जय किसान, और आज इस सरकार ने सरकार उन्हीं किसानों पर लाठियां चली हैं, गोलियां चली हैं, बम बरसे हैं उनके सरकार। और मैंने आज भी हमारे किसान करीब 7-8 महीना से बैठे हैं सरकार। एक छोटे से तक की बात को लेकर, जबकि सीएम ने खुद कह गए युवाओं से कि आपको एक तक दिया जाएगा, पर जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आज हमारे मेले में जो 200 गांव के किसान बैठे हैं मिलता है, उनकी होली नहीं बनी है, दिवाली नहीं बनी है, बीज नहीं बनी है, सजावट नहीं बनी है, उनकी हर त्योहार नहीं बने हैं। सरकार वहां पर एक दस में बैठे हैं, क्योंकि उनमें आस है कि वहां का बेटे तक हो जाएगा, तो वहां एरिया की थोड़ी तरक्की हो जाएगी, उनके बारे में उनको भरा होगा। सरकार ऐसा सरकार ने कभी किसान की ना सुनी सरकार, और जवानों के ऊपर जो जोर कर काम किया हुआ सभी को पता है। जो आज फौजियों को 4 साल की नौकरी देकर जो खिलवाड़ किया है, जो माँ बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि एक बच्चा तैयार होता है सड़कों पर रेल से लाता मेहनत करता है, उसके अंदर भावना होती है निशाना, देश के लिए कुछ करूंगा, देश का सिपाही बनूंगा। ऐसा पता चल जाता है नौकरी सिर्फ 4 साल की रहेगी तो सरकार उसके हाथ से टूट जाते हैं, मनोबल टूट जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा आपको धन्यवाद करूंगा कि कांग्रेस पार्टी का भी जिन्होंने सोच समझ कर आप लोगों के बीच में एक अच्छे अच्छे प्रत्याशी को भेजा है। महेंद्र प्रताप प्रताप जी ऐसे नेता रहे हैं जिनके ऊपर शासन मंत्रालय के पास थे, लेकिन उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता। वही दूसरी तरफ पिछड़ता जैसा भ्रष्टाचारी ईमानदारी है, जो आदमी कहता है कि 10 लाख से जीतूंगा और 70 में लिखवाड़ा जीतूंगा, तो सरकार ऐसे अहंकारियों का अहंकार तोड़ना है और उनको 10 लाख से